चलिए इस पर नजरें हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। मुरैना उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। मुरैना महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। मुरैना उज्जैन की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बुरहानपुर 2014 में ओबीसी के लिए फिर से आरक्षित, इसलिए भोपाल और सतना सुमेव ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाए। अब जो शेष दो नगर निगम हमें निकालनी है ओबीसी के लिए, वो जो 2004 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उसमें हम लॉट के माध्यम से निकालेंगे। और ये लॉट निकलेगा रतलाम, खंडवा, कटनी और सिंगरौली के बीच। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप सब लोग देख सकते हैं। मटके को पहले उल्टा करके दिखा दें। मैं एक बार मटके को दिखा दिया जाए। बैंक आप इसको डाल दीजिए, रतलाम ठीक है, नगर निगम खंडवा, नगर निगम कटनी और नगर निगम सिंगरौली। आप में से कोई गणमान व्यक्ति आ जाए नगर निकालने के लिए, आइए भाई सर। राजपूत जी आ रहे हैं, राजपूत जी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? एक ही सिंह राजपूत। एक एक दो निकालो, छोड़ के काम रतलाम ओबीसी भाई आपका क्या शुभ नाम? तो रतलाम जो है वो ओबीसी के लिए लॉट के माध्यम से आरक्षित की जाती तो ये आपको जैसा बताया गया कि भोपाल, सतना, रतलाम और खंडवा आपके लिए क्या कहते हैं ये ओबीसी के लिए आरक्षित हो गए। वर्ष 2014 में सतना और रतलाम महिला थे और भोपाल और खंडवा मुक्त थे, इसलिए चक्रानुक्रम का पालन करते हुए भोपाल और खंडवा इस बार महिला के लिए आरक्षित किए जाते हैं। भोपाल और खंडवा महिला के लिए ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया। ओ भाई मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि व्यवस्था बनाए रखें और कम से कम 10 किलो पर बैठ जाएं। प्रक्रिया धीरे धीरे अपने क्रम में आगे बढ़ रही है। सतना और रतलाम खुजली
पेन पे बोलना चाह रहे हैं आप? मेरा ये निवेदन है माननीय निकुंज श्रीवास्तव जी से कि 99 में महिला ओबीसी हो चुका माननीय हमारी पूर्व महापौर महोदया बैठी भी है हमारे समक्ष विभा पटेल जी आई नहीं है, विभा पटेल जी थी तो इसलिए थोड़ा सा इसको चेक करा लीजिए प्लीज, मेरा ऑब्जेक्शन है। महापौर थी ओबीसी महिला से वो ठीक है। देखिए ऐसा है जो हमने बताया आपको कि पहले हमने ओबीसी का निकाला, ओबीसी में चक्रानुक्रम का पालन करते हुए भोपाल सतना ओबीसी के लिए स्वमेव हो गई और उसके बाद रतलाम और खंडवा हमारी ओबीसी लॉट से निकल गई। अब हमारे पास चार आपके ये ओबीसी के लिए आरक्षित हो गए। उसके बाद हमें चूंकि 50% का आरक्षण होता है तो सबसे पहले ठीक पिछले वर्ष में हम जाते हैं 2014 में, बाकी हमारे लिए क्या आरक्षण था वो महिला के लिए इमेटीरियल है। चूंकि पिछले बार सतना और रतलाम महिला के लिए आरक्षित थी और भोपाल और खंडवा ये मुक्त थी तो स्वमेव वो भोपाल खंडवा महिला हो जाएंगी और सतना रतलाम मुक्त हो जाएगी, इसमें कोई इसी प्रकार की शंका नहीं। अब हम जाएंगे अनारक्षित महिलाओं के लिए आरक्षण। अब अनारक्षित महिलाओं में हमारा कोई 16 नगर पालिक निगम है और 50% के हिसाब से कुल 8 होना है और अब तक हम 3 आरक्षण महिलाओं के लिए कर चुके हैं तो अब 5 पद आरक्षित होंगे अनारक्षित महिला के और हमारे पास अभी तक 7, 2 एससी में 1 एसटी में 4 ओबीसी में 7 आरक्षित हो चुकी हैं। अब 9 नगर निगमें बची हुई हैं जिसमें से 5 हमें महिला के लिए आरक्षित करनी है। तो हम पहले उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं जो हमारी 2 नगर निगम आरक्षित हुई है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है मुरैना महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, छिंदवाड़ा एससी पुरुष के लिए आरक्षित किया गया है और भोपाल और खंडवा महिला के लिए आरक्षित किया गया है। तो महिला महापौर होंगी भोपाल में, ओबीसी वर्ग की महिला महापौर होंगी जैसा कि हम सुबह से आपको अपने अनुमान के हिसाब से बता रहे थे तो वही तस्वीरें लगभग साफ हो गई हैं। अब सवाल ये दावेदार आखिर कौन, तो भोपाल से ओबीसी वर्ग की महिला महापौर होंगी, छिंदवाड़ा से एससी पुरुष के लिए आरक्षित किया गया है, मुरैना से महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, वहीं मुरैना और उज्जैन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, तो रतलाम खंडवा सतना भोपाल ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित। तो निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, मुरैना उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, मुरैना महिला अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, छिंदवाड़ा एससी पुरुष के लिए आरक्षित, भोपाल और खंडवा ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, सतना और रतलाम भी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। तो साफ हो गया है कि राजधानी भोपाल में जो महापौर होंगी वो ओबीसी वर्ग से होंगी।
और खंडवा में भी महिला ओबीसी के लिए क्या आरक्षित किया गया है। तो 407 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत, 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका, 292 नगर परिषद। अब चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश में किस निकाय में किस वर्ग के प्रत्याशी का महापौर हो, इसको लेकर प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है और ये बात साफ हो गई है कि राजधानी भोपाल में जो महिला होंगी वो ओबीसी वर्ग की महापौर होंगी और उसके साथ ही खंडवा में भी महिला ओबीसी वर्ग की होंगी महापौर। रतलाम सतना भी ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है और मुरैना और उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो रोटेशन की प्रक्रिया यहां पर चली है। एक बार फिर से समझिए, भोपाल सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित, खंडवा की अगर बात करें तो वो भी ओबीसी महिला के लिए आरक्षित की गई है, सतना रतलाम ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है, वहीं छिंदवाड़ा एससी पुरुष के लिए आरक्षित की गई है, इसके साथ ही मुरैना एससी महिला के लिए आरक्षित की गई है। तो निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया अभी चल रही है और फिलहाल कुछ तस्वीरें जो साफ हुई है उसके अनुसार आपको बता रही हैं, सतना रतलाम ओबीसी के लिए आरक्षित, छिंदवाड़ा एससी पुरुष के लिए आरक्षित और राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो ओबीसी वर्ग की महिला महापौर होंगी। 16 नगर निगम और इसके साथ ही 99 नगर पालिका, 292 नगर परिषद, 407 नगरीय निकायों के लिए आरक्षण की यह प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। ज्यादा हम अपडेट ले लेते हैं, विशेष संवाददाता जुगल किशोर वहीं पर मौजूद है, वहां से हमें अपडेट देंगे। जुगल, लगभग अनुमान जो बंसल न्यूज दिखा रहा था वो काफी हद तक सही साबित हुआ है, अगर बात राजधानी भोपाल की करें तो महिला ओबीसी वर्ग से आरक्षित की गई है, और क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, नगर निगम के पदों का आरक्षण हो चुका है महापौर पद के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो भोपाल है, भोपाल में पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुआ है और अब पिछड़ा वर्ग महिला महापौर होगी भोपाल के लिए। और इसके अलावा अगर हम अन्य की हम देखें, अगर हम अन्य उसमें देखें तो भोपाल और सतना पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं, जिसमें से रतलाम और खंडवा ये भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुए हैं और जिसमें से भोपाल और खंडवा यहाँ दो जगह पिछड़ा वर्ग की महिला महापौर पद की प्रत्याशी होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए होगा, अभी आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। बाकी अन्य नगर निगमों में भी महापौर पद के आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। भोपाल की अगर हम बात करें तो जो एक राउंड के जरिए, मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि पिछली बार पुरुष था, इस बार महिला, क्योंकि दो विधानसभा चार आरक्षण। कांग्रेस नेताओं ने आखिर आपत्ति क्यों दर्ज करवाई थी भोपाल को लेकर, इसको बताएं। देखिए, दो बातें, दो इसमें आपत्ति दर्ज कराई है नेताओं ने। पहले की छिंदवाड़ा में जो आरक्षित किया गया है अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए जो आरक्षित किया गया है छिंदवाड़ा, उसमें आपत्ति ये थी कि 2011 की जनगणना के आधार पर उसको आरक्षित किया गया है, जबकि अब 2020 चल रहा है। पर जो नगरीय निकाय के आयुक्त हैं उनका ये कहना है कि जो नियम है, नियम अनुसार 2011 की जनगणना ली जा सकती है, इसलिए उसको अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष के लिए आरक्षित किया गया है। और उसके बाद अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में यह आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि ओबीसी महिला पहले हो चुका है, इसलिए इसको दोबारा ओबीसी महिला नहीं किया जाए, लेकिन जो नगरीय आयुक्त की तरफ से ठीक है, जो कल आगे हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है उसकी तरफ रुक करते हैं। जिसमें से चूंकि जैसा साहब ने बताया, उज्जैन 2014 में महिला आरक्षित थी और मुरैना मुक्ति, तो अब अनुसूचित जाति संवर्ग में मुरैना महिला वर्ग के लिए आरक्षित है तथा उज्जैन अनुसूचित जाति संवर्ग में मुक्त। ठीक है, एसटी का हम लोग ने अनुसूचित जनजाति का बता दिया है,
छिंदवाड़ा अनुसूचित जनजाति है। अभी आ रहा है, आ रहा है। उज्जैन जो है अनुसूचित जाति आरक्षित है और मुक्त है। अनुसूचित जनजाति में छिंदवाड़ा आरक्षित है तथा मुक्त है। ओबीसी में चार नगर निगम आरक्षित किए गए हैं, भोपाल, खंडवा, सतना और रतलाम, जिसमें से भोपाल और खंडवा अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है और सतना तथा रतलाम अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है और मुक्त है। नगर निगम जो अनारक्षित श्रेणी है उसमें सर्वप्रथम अनारक्षित महिला के लिए जो आरक्षण है वो ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर तथा कटनी, और जो शेष चार हैं अनारक्षित श्रेणी जबलपुर, इंदौर, रीवा तथा सिंगरौली। अनारक्षित श्रेणी सामान्य जिसे आप कह रहे हैं अनारक्षित है, उसमें जो अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है वो ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर तथा कटनी, और जो अनारक्षित मुक्त है वो है जबलपुर, इंदौर, रीवा तथा सिंगरौली। नगर पालिक निगमों के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, अब अगले चरण में हम प्रवेश करते हैं और नगर पालिका परिषदों के आरक्षण के संबंध में कार्रवाई आरंभ करते हैं। अशोक भाई बैठो यार, नहीं बोलते हमारे परिषद में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की स्थिति के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कुल हमारी 99 नगर पालिकाएं हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत इसमें 14.9 है और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 5.6 है। 14.90 प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जाति के 14.75 पद होते हैं, 15 पद जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के हिसाब से 5.54 पद आते हैं, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, इसलिए 6 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ओबीसी के लिए 25% के मापदंड मानदंड के हिसाब से 24.75 पद आते हैं, 35 पद ओबीसी के लिए आरक्षित किए। सबसे पहले मैं अनुसूचित जाति के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को प्रारंभ करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जाने हैं। जनसंख्या के अवरोही क्रम में एससी की परसेंटेज पॉपुलेशन के घटते क्रम में नगर 99 नगर पालिकाओं को स्थापित करने पर निम्नानुसार नगर पालिकाएं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती हैं। नगर पालिका मकरोनिया, इसमें एससी की पॉपुलेशन का प्रतिशत है 30.94। नगर पालिका परिषद दमुआ, इसका प्रतिशत है 25.69। नगर पालिका परिषद डबरा, इसका प्रतिशत है 25.67। नगर पालिका परिषद गुहर, इसका प्रतिशत है 25.28। नगर पालिका परिषद सारिणी, इसका प्रतिशत है 25। नगर पालिका खुर्रई, इसका प्रतिशत है 25। नगर पालिका परिषद आमला, इसका प्रतिशत है 23.55। नगर पालिका परिषद चंदेरी, इसका प्रतिशत है 23.02। नगर पालिका बीना इटावा, इसका प्रतिशत है 22.37।
नगर पालिका लहार इसका प्रतिशत है 22, नगर पालिका गोटेगांव इसका प्रतिशत है 31.47, नगर पालिका महाराजपुर इसका प्रतिशत है 31.32, नगर पालिका परिषद नागदा इसका प्रतिशत है 20, नगर पालिका परिषद भिंड इसका प्रतिशत 19.87 और नगर पालिका परिषद हटा इसका प्रतिशत 19.74। अब इसके बाद हम अनुसूचित जाति में महिला का आरक्षण करेंगे। 15 का 50% 7.5 होता है, जिसके मान से 8 पद महिला के लिए इसमें से आरक्षित होंगे। इसमें क्योंकि चक्रानुक्रम का भी पालन करना है, तो वर्ष 2014 में इन नगर पालिकाओं में क्या महिला या मुक्त की स्थिति थी उसको देखी जाए। तो जब हम उसको देखते हैं तो हमें 6 नगर पालिकाएं मुक्त थी। तो ये 6 नगर पालिकाएं स्वमेव महिला के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इन नगर पालिकाओं का मैं नाम लूंगा, दमुआ, गोहद, कुर्रई, गोटेगांव, नागदा और भिंड। अब इसके बाद हमारी 9 नगर पालिकाएं बचती हैं 15 में से, हमें 8 पूरी करनी है तो हमें 2 का लॉट निकालना है। तो जो जी जिला भी हम बताते जाएंगे आगे से, ठीक है। तो अब ये 9 नगर पालिकाएं कौन सी हैं, इनको इनकी सूची पढ़ते हुए पहले डब्बा दिखा दीजिए एक बार फिर से, इनको खाली है आपके सामने ही है। नगर पालिका मकरोनिया सागर की, दमुआ छिंदवाड़ा, डबरा ग्वालियर, गोहद भिंड, सारनी बैतूल, कुर्रई सागर, आमला बैतूल, चंदेरी अशोकनगर, बीना इटावा सागर, लहार भिंड, गोटेगांव नरसिंहपुर, महाराजपुर छतरपुर, नागदा उज्जैन, भिंड भिंड हटा दमोह। यह मैंने आपको जिला भी बता दिया। अब वो नगर पालिकाएं जिनमें से लॉट निकाला जाना है, 6 तो हमारी स्वमेय हो गई, 2 महिला के लिए लॉट निकालेंगे, तो बची हुई 9 को डालेंगे, उनके नाम मैं पढ़ेंगे हमारे संयुक्त संचालक साहब और उसमें से फिर 2 निकालेंगे। नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग जिला सागर, नगर पालिका आमला जिला बैतूल, नगर पालिका चंदेरी जिला अशोकनगर, नगर पालिका सारणी जिला बैतूल, नगर पालिका लहार जिला भिंड, नगर पालिका महाराजपुर जिला छतरपुर, नगर पालिका हटा जिला दमोह, नगर पालिका डबरा जिला ग्वालियर, नगर पालिका बीना इटावा जिला सागर, क्या आ जाए गुप्ता जी, क्या संजय गुप्ता जी, आपको सिर्फ 2 टोकन निकालने हैं सर। सर 2 टोकन निकालने, 2 टोकन निकालने, 2 लोग के लिए 2 टोकन निकालने। नगर पालिका सारणी जिला,
शर्मा जी नाम है। नगर पालिका हटा जिला दमोह। इस प्रकार से